हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में कॉटन साड़ी को कैसे परफेक्टली ड्रेप कर सकते हैं, उसकी प्लेट्स कैसे बना सकते हैं, उसकी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये मेरी जो कॉटन की साड़ी है ये पैरेट कलर में है, पूरी प्लेन साड़ी है। अब मैं अपनी टकिंग स्टार्ट करूँगी। तो साड़ी को थोड़ा सा फोल्ड किया है, उसके बाद पहले राइट में और फिर लेफ्ट में टक करते हुए फ्रंट के फैब्रिक को टक करा है मैंने। आप भी अपने अकॉर्डिंग लेंथ को मेज़र करके उसे फोल्ड करके टक करें। अब मैं इसी तरह से एक राउंड कंप्लीट करूँगी टकिंग करते हुए। मैं अपना बेसिक टक एकदम टाइट फिटेड रखना है। अब मैं साड़ी को गैदर करते हुए अपने पल्लू वाले पार्ट की तरफ जाऊँगी और इसे बैक से घुमाते हुए अपने राइट हैंड साइड की तरफ लेकर आऊँगी पहले, और फिर यहाँ अपने लेफ्ट हैंड से प्लेट्स को गैदर करना स्टार्ट करूँगी। पल्लू की प्लेट्स बनाते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारी जो फर्स्ट एंड लास्ट बॉर्डर जो रहती है उनकी डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट में रहे। यहाँ आप देख सकते हैं मेरी प्लेट्स अरेंज हो चुकी है। अब मैं इसे अपने पैर में दबाऊंगी और फिर यहाँ मैं इसे अच्छे टाइटली से ऊपर की तरफ खींचते हुए रहूँगी। जब हम ऊपर की तरफ इसे खींचते हैं तो हमारे जो प्लेट्स रहती है ये हमें प्रॉपरली शो होने लगती है। यह आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने प्लेट्स को अरेंज कर रही हूँ। हमें प्लेट्स अरेंज करने में फिर दिक्कत नहीं होती, हमारा पल्लू की जो प्लेट्स होती कई बार होता है कॉटन की साड़ी में वो सही से अरेंज नहीं हो पाती है या बहुत टाइम लग जाता है हमें अरेंज करने में। तो ये बहुत आसान ट्रिक है। अब आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसे ऊपर उठाते हुए हाथ से प्रेसअप कर लिया है। एक ही बार में मेरा पल्लू के पूरी प्लेट्स अरेंज हो चुकी है। यहाँ हमें इसे एक बार और थोड़ा सा सेट करते हुए अपने शोल्डर पर रखते हुए लेंथ मेजर करूँगी। लेंथ मैंने अपने घुटने से नीचे रखी हुई है। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ इसे शोल्डर पे रखते हुए पिन से सिक्योर कर लूँगी। शोल्डर पे मैं एक या दो इंच बैक में ही पिन अप करना है इसे। अब मेरे फ्रंट में जो प्लेट्स आ रही है पल्लू की उसे भी मैं अच्छे से अरेंज करूँगी और हाथ से प्रेसअप करते हुए जाऊँगी इन्हें मैं पहले। हाथ से प्रेसअप करने के बाद आप देख सकते हैं ये मेरे प्लेट्स अरेंज हो चुकी। अब मैं अंदर वाली बॉर्डर को पकड़ते हुए इसे थोड़ा सा ट्राइंगल शेप में टर्न करूँगी, फोल्ड करूँगी और फिर अपने बैक में इसको थोड़ा सा टक करूँगी कुछ देर के लिए फैब्रिक को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया है फ्रंट में इसे मैं अच्छे से पिनअप कर लूँगी। पिनअप करने से होता ये है कि हमारा जो फैब्रिक कई बार हमारे नेक पे चढ़ने लगता है तो वो नेक पे नहीं आएगा बार बार। अब आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे अपने बस्ट एरिया के ऊपर से लेते हुए अपने बैक से घुमाते हुए लेफ्ट साइड की कमर पे अच्छे से सेट करूँगी पहले। कमर पे सेट करने के बाद अब मैं इसे थोड़ा सा राइट की तरफ लूँगी और यहाँ मैं पिन से इसे पेटीकोट के साथ में ही सिक्योर कर दूँगी। अब आप देख सकते हैं ये जो मेरा पार्ट है इसे मैं थोड़ा सा प्लेट्स साइड प्लेट्स के लिए अच्छे से टक मेज़र करूँगी। आप देख सकते हैं मैं अपने कमर के पास में किस तरह से प्लेट्स को अरेंज कर रही हूँ। अगर आप भी इसी तरह से कॉटन की साड़ी में प्लेट्स को अरेंज करते हैं तो यकीन मानिए आपको भी नेक्स्ट टाइम से कॉटन की साड़ी पहनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने इसे यहाँ पे राइट में टक कर लिया है। इसे अच्छे से टक करने के बाद अब मैं यहाँ पर अपने फ्रंट प्लेट्स बनाना स्टार्ट करूँगी। तो फ्रंट प्लेट बनाने के लिए मैंने नेवल से चार उंगल आगे की तरफ मैं फैब्रिक को पकड़ा है और फिर यहाँ मैं सीजर मेथड की यूज़ से प्लेट्स को अरेंज कर रही हूँ।
यहाँ आप देख सकते हैं मेरी प्लेट्स बनके रेडी हो चुकी है। अब हमें एक हाथ से प्लेट्स को अरेंज करते हुए जाना है, और साथ साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारी प्लेट्स अंदर की तरफ कोई दबी ना रह जाए। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से प्लेट्स को ऊपर उठाते हुए हाथ से प्रेसअप करते हुए जा रही हूँ। इसी तरह से मैं अपने फूल प्लेट्स को हाथ से प्रेसअप करते हुए अरेंज कर लूँगी। अब उसके बाद मैं अपनी प्लेट्स को हल्का सा रख देते हुए अपने नेवल के पास में ही से टक करूँगी। तो नेवल के पास में टक करने से पहले मैं प्लेट्स को अच्छे से रख देते हुए सेट करूँगी, और फिर टक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे राइट में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा था उसे भी मैंने टक कर लिया है। अब इसे यहाँ अच्छे से अरेंज रखने के लिए मैं यहाँ एक साड़ी के पिन का यूज़ कर रही हूँ। अब आप मेरा ये फाइनल लुक देख सकते हैं। आपको मेरा ये ट्रिक वाला वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।